जमशेदपुर के मानगो से 6 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। जहां मामला प्रकाश में आते ही मानगो थाना पुलिस हरकत में आई। पीड़िता को मेडिकल जांच कराने शनिवार को MGM अस्पताल पहुंची। उधर मामले का खुलासा होते ही आरोपी फरार हो गया। घटना के संबंध में पीड़िता की मां ने बताया कि बीते 26 फरवरी को उसके यहां काम करने वाली नौकरानी उनकी 6 वर्षीय बेटी को अपने साथ पार्टी में ले जाने की बात कहकर ले गई थी। रात अधिक होने के कारण अगले दिन यानी 27 फरवरी को उसकी बेटी लौटी। 28 फरवरी को जब बेटी के कपड़े धोने गई तो उसने खून के धब्बे मिले। उन्होंने बताया कि इस संबंध में जब नौकरानी से पूछताछ की तो किसी बात की जानकारी नहीं होने का उसने दावा किया। जब उसके बेटे जिशान को बुलाकर पूछताछ की गई तो उसने भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी, जिसके बाद महिला बेटी को लेकर गुरुनानक हॉस्पिटल पहुंची, जहां डॉक्टर ने उसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ होने की बात कही। महिला ने बताया कि इसकी लिखित सूचना मानगो थाने को दे दी गई है। नौकरानी फिलहाल दूसरी जगह किराए पर रह रही है। 4 साल तक उसके घर पर ही रहकर काम करती थी। महिला ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ की गुहार लगाई है। जमशेदपुर SSP ने बताया कि आरोपी भी नाबालिग है। फिलहाल बच्ची का मेडिकल जांच कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। शान उसका नाम है, अब वो मेरे काम वाले का बेटा है। कहाँ रहता है वो? अभी 2 नंबर में रहता है। 2 नंबर में रहता है। कितने साल से क्या काम? 4 साल से वो मेरे यहाँ काम कर रही है। 2 साल से उसकी पूरी फैमिली को, हम 4 2 बेटी 1 बेटा जिशान, उसकी माँ मेरे साथ रहती थी। अभी 2 महीने से वो लोग हमको छोड़ के मतलब चली गई 2 नंबर में। अच्छा, क्या हुआ है? मेरी बच्ची के साथ 26 तारीख को वो मेरी बच्ची को पार्टी में लेकर गई थी। फिर वो बहुत लेट नाइट में आई थी। हम बोले उसको कि मेरी बच्ची को घर पहुंचा दो। बोली कि नहीं भाभी, छोड़ दीजिए, बहुत लेट हो गया है, यहीं आज सोने दीजिए, सुबह पहुंचा देंगे। वो वहीं सो गई थी रात में, इसके साथ रात में उस दिन ये। और हमको 28 को पता चला, इसलिए कि वहाँ से वो शाम में आई थी। फिर शाम में आई तो हम मार्केट चले गए, हम उस दिन नहीं देखे इसका कपड़ा। फिर 28 को हम सुबह मॉर्निंग में इसका कपड़ा देखे, इसके कपड़े में ब्लड लगा था। उसके बाद फिर हम उसकी माँ को फ़ोन किए, पूछे तो वो तो बोली कि हम लोग बच्ची को छोड़े हैं। वो लोग तो बोली कि हम लोग को कुछ नहीं पता है। हमने ठीक है, उसके बेटा को हम घर बुलाए, उसके बेटा से ही पूछे तो वो बोला कि हम कुछ नहीं किए। हमें ठीक है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर अगर बोलती है तो ठीक है। तो फिर गुरु नानक में संगीता मैम को दिखलाए बच्ची को, वो देखने के साथ साथ वो बोल दी कि इसके प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़छाड़ किया गया है। फिर आप क्या किए? हम केस किए मांगो थाना में। हाँ, केस किए उसके। अब वो शायद लड़का भागा हुआ है। किसके खिलाफ केस? जिशान के खिलाफ केस किए। बच्ची के साथ उनके घर के जान पहचान लोग हैं, उनके द्वारा गलत करने का बात बताई गई है। और ये 26 फरवरी का घटना बताया जा रहा है, करीब 15 दिन पूर्व। अभी हम लोग भेजे हैं उनको डॉक्टर के पास जांच के लिए, इलाज के लिए। और उनके द्वारा जो इलाज किया गया वो पेपर दिखाया जा रहा है, और जो 28 से वो 15 साल का बताया जा रहा है। अभी पुलिस की गिरफ्त में नहीं है। और क्योंकि ये कांड है जो ये 15 दिन पहले हुआ था, इसलिए निष्कर्ष जांच होने के बाद ही हम लोग इसमें कुछ कार्रवाई करेंगे। और फिलहाल जो उनके द्वारा जो आदेश एप्लीकेशन आया है उसमें हम लोग केस करके और अनुसंधान शुरू कर दिए। जमशेदपुर से न्यूज़ विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।